हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो फर्स्ट चैप्टर चल रहे हैं उसकी सेकंड एक्सरसाइज 1B। तो इस दे विच असीं सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करते असीं कंसेप्ट जो है डिटेल दे विच सीखेंगे। तो इस दा फर्स्ट एग्जांपल करते हैं असीं एवेल्यूएट। एवेल्यूएट करना है -4/9 -2/-3। दिस मीन साढ़े को है कि एक्चुअली ये दो नंबर्स है। फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ -4/9 एंड सैकेंड रैशनल नंबर इज़ 2/-3। तो दोनों नंबर्स नो सी की कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो दिस मीन्स सिंपली सी टू रैशनल नंबर नो माइनस करना है। सो फर्स्ट असी की करना है, दैट इज इक्वल्स टू असि साइन सॉल्व करनी है। सब तो फर्स्ट स्टेप साडा। सो फर्स्ट जो है सेम एज -4/9 एंड सैकेंड के माइनस है। तो माइनस उपर लिखा हो नीचे लिखा हो कोई फर्क नहीं पेगा। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस इज इन मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो दिस इज +2/3 एंड इस तो नैक्सट स्टैप साडा की होंगे जो डिनोमीनेटर्स है उसनों इक्वल करना। तो डिनोमीनेटर के 9 एंड इतने डिनोमीनेटर के 3। सो दिस मीनस दोनों का 9 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 सॉरी 9। तो असी की करना होएगा 3 नू 9 बनाना। दिस मीनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। सो दैट इज इक्वल्स टू -4/9 +2 × 3 6 डिवाइड बाय 9। सो हूँ साढ़े को है दोनों डिनोमीनेटर इक्वल है। तो नैक्सट की होएगा एलसीएम इज 9। तो उपर जो नंबर है सिंपली उसनों एड या सबट्रैक्ट कर दो जो भी उसके साइन है अकॉर्डिंग टू दैट। सो -4 + 6 सो दैट इज़ इक्वल्स टू 6 पॉजिटिव है मीनस दोनों के साइन जो है अलग है। तो असं की करते हैं माइनस। तो 6 - 4 = 2 बट साइन कि आएगा जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर इज 6 सो पॉजिटिव। तो दैट इज इक्वल्स टू 2/9। सो नैक्सट क्वेश्चन इज सबट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम -3/8। तो इसमें असी सॉल्व करना है, करना कि एक्चुअली सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इसनों चंगी तरह समझ लो कि इस नंबर नूं असी सबट्रैक्ट करना है किहदे विच्चों, इस नंबर विच्चों। दिस मीन असी इस नंबर नूं पहला लिखांगे -3/8। इस नंबर दे विच्चों सबट्रैक्ट करना है मीनस माइनस करना है इस नंबर नूं मीनस 1/4। दिस मीनस असी ये सॉल्व करना है हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू साइन सेम है -3/8 -4/1/4। साइन कोई प्रॉब्लम नहीं है सो सेम ही रहेगा। सो नैक्सट स्टैप इज एलसीएम मीन्स असी 4 and 8 का एलसीएम लैके डिनोमीनेटर सेम करेंगे एंड 4 ते 8 का जो एलसीएम है वह की आएगा 8। तो जो साडा फर्स्ट नंबर है वह सेम रहेगा बट जो सैकेंड नंबर है इसनों 8 बनाना है। दिस मीनस 4 × 2 तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर सेम -3/8 -1 × 2 = 2 डिवाइड बाय 4 × 2 = 8 और डिनोमिनेटर इक्वल है। सो एलसीएम की आएगा 8 एंड -3 एंड 2 का जो साइन है दैट इज ऑल्सो नैगेटिव सो -2। सो माइनस एंड माइनस के होंगे दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं बिकॉज दोनों सेम साइन दे तो की करना सी ऐड एंड ऐड करन तो बाद भी अपने कोल की आएगा साइन सेम रहेगा नंबर्स का बिकॉज दोनों नंबर नैगेटिव है तो नैगेटिव साइन आएगा। ओके क्लियर। दैन नैक्सट एग्जाम्पल इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स is -2/3 and if one of them is -8/15 then find the other। देखो स्टेटमेंट देख विच की गिवन है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज दिस। दो रैशनल नंबर है जिन्हों का सम दिता हुआ है -2/3।
इफ वन ऑफ दैम इज माइनस 8/15, दो नंबरों के विचों सानू एक नंबर उन्होंने देता ए है, दैन फाइंड द अदर, जो सैकेंड नंबर है वो से फाइंड आउट करना। सो नाओ लैट द अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो जो सैकेंड नंबर है उसनों असी की सपोज किया एक्स। सो दिस मीनस असी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करा, तो दो नंबरस ऐड करके साढ़े को आ रहा आंसर ए आ रहा। सो दिस मीनस एक्स प्लस वो एड किया सैकेंड नंबर माइनस 8/15, दो नंबरस ऐड करके कि बन रहा रिजल्ट माइनस 2/3, सो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2/3। ओके क्लीयर, तो हूँ असी इनू सोल्व करना है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली साइन देखते हैं, एक्स इतने अपने को दो साइन है प्लस माइनस, सो प्लस माइनस इज माइनस 8/15 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2/3। हूँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसमें असी राइट हैंड साइड पर ला देंगे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू पहला ए वाली टर्म एज इट इज़ माइनस 2/3, और जो ये टर्म है उधर जाके की होएगी प्लस, बिकॉज इधर नैगेटिव साइन है इधर पॉजिटिव होएगा 8/15। ओके, उस तो बाद नैक्सट स्टैप साढ़ा की होंगे एलसीएम लेना, 15 एंड 3 का एलसीएम कि आएगा 15, सो इसनों असी 15 बनाना, सो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2/3, इन्हों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे दैन 15 बनेगा प्लस 8/15 एज इट इज़, सो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 10/15 प्लस 8/15, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 15 एलसीएम माइनस 10 प्लस 8। हम देखो दोनों दे साइन जो है वो डिफरेंट है, सो दिस मीनस असी माइनस करांगे 10 माइनस 8 करांगे, तो 10 दे विचों 8 माइनस किते दिस मीनस 2 डिवाइड बाय 15। हम साइन की लाना है, साइन जो ग्रेटर है, ग्रेटर की है 10, और 10 का साइन इज नैगेटिव, सो एक्स की आ गया अपने को माइनस 2/15, सो ए सैकेंड नंबर है। ओके क्लीयर, दैन नैक्सट एग्जाम्पल इज विच रैशनल नंबर शुड बी subtracted from minus 5/6 to get 4/5. तो हुण इस दे विच की है, विच रैशनल नंबर शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर टू गैट दिस नंबर। इस नंबर दे विचों की माइनस किया जाए कि साढ़े को नंबर आ जाए, तो असी सिंपली सपोज कर लेना, लैट अ नंबर इज एक्स, तो जिहड़ा नंबर सबट्रैक्ट करके असी फाइंड आउट करना है उस नंबर नूं असी की सपोज कर लेंगे एक्स। तो हुण की करांगे, इस नंबर दे विचों एक्स नूं माइनस कर दो, सो माइनस 5/6 दे विचों माइनस करो एक्स, दैन यू विल गैट द नंबर 4/9। ओके क्लीयर, तो इसनों असी सिंपली सॉल्व करना है एंड एक्स की जो वैल्यू है उसनों फाइंड आउट करना है। सो एक्स नूं तुसी एक साइड पर लैफ्ट हैंड साइड पर रखोगे एंड राइट हैंड साइड पर बाकी टर्म नूं लै जाएंगे, तो अपने को एक्स की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। सो फर्स्टली माइनस एक्स लैफ्ट हैंड साइड एंड इसनों असी राइट हैंड साइड पर लैके जावे, फर्स्टली 4/9 सेम, एंड जो ये टर्म है दैट इज ऑफ नैगेटिव साइन, तो राइट हैंड साइड पर जाएगी तो इसका साइन की हो जाएगा प्लस। ओके, दैन हेयर माइनस एक्स, द माइनस एक्स सेम एज द फर्स्टली 9 एंड 6 का एलसीएम कि आएगा साढ़े को 18, 9 एंड 6 का एलसीएम कि होंगे 18, तो असं इस 18 बनावे, सो 18 बनाने की करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 5/6 18 बनाने की करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 8/18 प्लस 5 × 3 15/18। सो नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, द टेक एलसीएम 18 एंड सिंपली एड दिस नंबर्स 8 प्लस 15,
So minus x is equals to this means minus x is equals to 23 by 18. So this is the value of minus x. But असी जो number लिया हुआ है पॉजिटिव x है means x की value की होगी तो असी x की value find out करनी है. So now multiply by x both sides तो we will get minus नाल जो तो multiply करेंगे तो की हो जाएगा plus x. So that is equals to minus 23 by 18. और तुसी सिंपली भी कह सकते हो अगर थोड़े को ले वैल्यू आई है तुसी पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो दोवां दे साइन चेंज कर दो तो माइनस एक्स दे साइन चेंज करोगे तो की आ जाएगा प्लस एक्स एंड प्लस वाल दा साइन चेंज करोगे तो की आ जाएगा माइनस का. ओके आई होप तुहानू सारा समझ आ चुका है. देन लाइक माई वीडियो. थैंक यू.